बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के हमने एमसीक्यूज करने हैं आज। कोशिश मेरी ये है कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 4 तीनों आज मैं करवा दूं, ताकि 5 चैप्टर के कम से कम हमारे पास एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, कुछ सवाल आ रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 17 और 19 आपने नहीं करवाया। मैं ये कह सकता हूँ कि आज ट्यूसडे है और इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे तक, यानी कि इस वीक के अंदर हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि चैप्टर नंबर 17 भी हो जाएगा और 19 भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, दो बातें हो गई हैं। अच्छा, मॉडल पेपर आपका आ चुका है मैट्रिक वालों का, मैं कोशिश करता हूँ उसको आज ही डाउनलोड कर लूँ और उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको अपलोड इसी तरीके से पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के वॉइस ओवर कर दूंगा। ठीक है, और आपको ताकि चीज़ समझ में आ जाए, और अगर उसमें कोई ऐसा सवाल हुआ जो हमने नहीं किया हुआ होगा अपनी वीडियोस में, तो मैं उसको इंशाल्लाह करवा भी दूंगा, और मॉडल पेपर के जितने भी एमसीक्यूज हैं मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा एक नई हेडिंग बना के। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मॉडल पेपर की, एंड देन उसके अंदर मॉडल पेपर के एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे इंशाल्लाह, और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ तो वो भी सॉल्व करवा दूंगा, और मैं पूरे मॉडल पेपर को एक बार आपको डिफाइन भी कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी काम इसी वीक में हो जाएगा। आप देखोगे कि इस वीक में इंशाल्लाह काम तेज़ होगा। ठीक है, तो चलो 14 MCQs निकाले हैं सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के एक 34 थे, 33 थे, और चैप्टर नंबर 2, 3 दोनों के कम हैं, 4 के भी कम हैं और 5 के थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स की, सॉरी MCQs की। अच्छा जी, आ जाओ आप इसके MCQs पे। जो पहला है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आपने डेफिनेशन पढ़ी दी है। स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। डायरेक्शन अगर होती है कोई तो वो यकीन वेलोसिटी हो जाती है। वैल्यू ऑफ जी, बहुत आसान सा सवाल है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एस आई यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, और एक्सेलरेशन का ms-2। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें तुम लोग को होगी, हमने पढ़ा है हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर के नीचे जो सेकंड होता है स्क्वायर उसके साथ पॉजिटिव लगा होता है, जब वो ऊपर चला जाता है तो स्क्वायर -2 हो जाता है, इस बात को अपने जहन में रखना। ठीक है, अच्छा, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। बहुत आसान है ये तो भाई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। द व्हील्स ऑफ मूविंग कार एंड द ब्लेड्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी, दोनों है इसमें। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज ना होना। ठीक है, इसमें ए और बी दोनों लिखोगे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये काइनेमेटिक्स होता है। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज, देन बॉडी विल हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अपवर्ड डायरेक्शन इज यूजली टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट शोज इट्स पोजिशन। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्ट से निकाले हैं 14 MCQs, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं। अच्छा, अगर रिड्यूस टॉपिक के MCQs आ रहे हों तो भाई उसको देख के परेशान ना होना, क्योंकि वो हमने किए हैं, बिल्कुल किए हैं, लेकिन उसको इसीलिए किए ताकि वो आगे आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी चैप्टर नंबर 4 और 5 के भी अपलोड कर दूँ, ताकि ये एक 5 चैप्टर की कहानी खत्म हो जाए, तो फिर मैं कल और परसों इंशाल्लाह टाइम लगा के मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 17 और 19 की वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा। ठीक है, और उसको भी फिर मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि इस हफ्ते के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 17 भी कम्प्लीट, यानी कि हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, फिर हमें थोड़ा सा मैथ्स पर आना है, उर्दू और इस्लामिक को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है इंशाल्लाह, और मॉडल पेपर, द मेन थिंग इज फिजिक्स का मॉडल पेपर, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनानी है, उसको अलग से सॉल्व करवाना है, सारी चीज़ें करवानी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसको देखो, अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताओ।